अफगानिस्तान में अमेरिकन दलों की विदाई बाद नवी सरकार की रचना ने अंतिम ओप अपाई गयो छे। भूखमरा और आर्थिक बेहाली वच्चे आज काबूल में नवी सरकार की जाहरात थाय तेवी शक्यता छे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारंभ की तैयारी शुरू थी गई छे। तालिबान सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबुतला अखुंजदा अफगानिस्तान सर्वोच्च नेता हे। तालिबान स्थापक मुल्ला उमर पुत्र मुल्ला याकूब, सहसंस्थापक अब्दुल गनी बरदार और हक्कानी नेटवर्क नेता सिराजुद्दीन हक्कानी पण सरकार में सामिल थाय तेवी शक्यता छे। तो चीन तालिबान शासन हेठ नवो अफगानिस्तान बनावशे। आगे तालिबाने कहू छे कि देश चलावा माटे तेओ चीन पासेथी पैसा लेशे, कारण कि चीन तालिबाननु सौथी महत्वनु सहयोगी छे। तालिबान में नंबर बेनी पोजिशन पर रहेला मुल्ला अब्दुल गनी बरादरे थोड़ा दिवस पहला ज बेजिंग नी मुलाकात करी हती। आ दरमियान चीनना विदेश प्रधान साथे वातचीत करी। हवे आ मुलाकातनो हेतु स्पष्ट थई गयो छे। अफगानिस्तान में 3 ट्रिलियन डॉलर एटले के लगभग 200 लाख करोड़ रूपयानी खनिज संपत्ति छे, जेना पर चीन दुनियानी फेक्टरी तरीके स्थापित थवा मांगे छे। महत्वनुं छे कि अफगानिस्तानी इकोनॉमी घणा समयथी खराब हालतमां छे अने देश चलावा माटे तालिबान पासे पैसा पण नथी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला नो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवी गयो छे। जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई रीते सिद्धार्थ नो मौत थयुं छे तेनी कोई जानकारी नथी आपवामां आवी। विसेरा लेवामां आवे छे। मळती माहिती अनुसार हवे हिस्टोपेथोलॉजिकल अभ्यास बाद ज मृत्युनु साचुं कारण सामे आवशे। बीजी तरफ आजे सिद्धार्थना अंतिम संस्कार करवामां आव्या। सिद्धार्थना अंतिम संस्कार ब्रह्माकुमारी समाजनी विधि अनुसार कराया छे, कारण कि सिद्धार्थ ब्रह्माकुमारी समाज साथे जोडायेलो हतो अने ब्रह्माकुमारी समाजना लोको साथे समय पण वितावतो हतो। मध्यप्रदेश में ओबीसी अनामत पर शिवराज सरकारे मोटो निर्णय लीधो छे। राज्य सरकारे एमपी में ओबीसी वर्ग ने सरकारी भर्ती और परीक्षा में हवे 27% अनामत लागू कर्यो छे। सामान्य प्रशासन विभाग तरफ थी आ आदेश पण जाहिर करी देवायो छे। जो कि परीक्षा और भर्ती माटे हाईकोर्टे स्टे मुक्यो छे, तेना पर हाल आ अनामत लागू नहीं करी शकाय। तो शिवराज सरकारना प्रधान भूपेन्द्रसिंहे आ निर्णय ने ऐतिहासिक गणाव्यो छे। टोक्यो पेरालिम्पिक में भारते सारी शुरूआत करी छे। प्रवीण कुमारे मेन्स T64 हाईजम्प में सिल्वर मेडल जीत्यो छे। टोक्यो में भारत नो आ 12मो मेडल छे, जारे के केनो स्प्रिंट में प्राची यादव और शूटर में राजस्थानी अवनी लेखरा फाइनल में पहुंची छे। तीरंदाजी में भारत ना तीरंदाज हरविंदर सिंहे पुरुषों की व्यक्तिगत रिकव ओपन एलिमिनेशन में 1/16 में आगळना राउंड में पहुंची गया छे। ज्यां बेडमिंटन में पुरुष सिंगल ना SL4 मुकाबला में सुहास एल थरितज पण आगळना राउंड में पहुंची गया छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी प्रवीण कुमार ने अभिनंदन पाठव्या। अमदावादना 2008ना श्रेणीबद्ध ब्लास्ट केस में दलीलों पूर्ण थई गई छे। आ ब्लास्टना 14 वर्षे दलीलों पूर्ण थता स्पेशल जजे AR पटेले चुकादो अनामत राख्यो छे। आ केस में स्पेशल कोर्ट में 1193 साक्षीओने तपासवामां आव्या। 1200 जेटला साक्षीओने पड़ता पण मुकवामां आव्या छे। आ केसना 78 आरोपी पैकी एक ताजनो साक्षी बन्यो। स्पेशल कोर्टे ताजना साक्षी बनेला आरोपीने माफी आपी छे, ज्यारे के 12 फरार आरोपीने शोधखोळ हजु पण यथावत छे। अमदावाद शहर में रोगचाळे माथू उचकता सोला सिविल होस्पिटल में दर्दीओ उभराया छे। ओपीडी में दररोज 2500-3000 जेटला केस सामे आव्या छे, परंतु कॉम्प्यूटर ऑपरेटरना अभावे आटला संख्याबंध केसनी सामे मात्र 3 ज केस बार्यो छे, जेना कारणे दर्दीओने कलाकों सुधी कतारमां उभा रहेवू पड़े छे। त्यारे केस बारी वहेली तके शरू करवामां आवे अने बपोरना समयमां 12-3 रिसेसनो समय घटाडवा पण दर्दीओ मांग करी रह्या छे। बीजी तरफ आटली मोटी संख्यामां दर्दीओनो राफड़ो फाट्यो होवा छतां पण तंत्र जाणे के आ बधुं दररોજનું होय તે રીતે વર્તી રહેશે। આ તરફ અમદાવાદ શહેરમાં મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે। સોલા સિવિલમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 230, મેલેરિયાના 40, ચિકનગુનિયાના 36 કેસ નોંધાયા છે અને આંકડો હજુ પણ વધી રહ્યો છે। ત્યારે આરોગ્ય વિભાગના સબ સલામતના દાવા સામે લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે। રાજ્યમાં કોરોનાનો કહેર ભલે ઘટી રહ્યો છે, પરંતુ ઋતુજન્ય રોગચાળો માથું ઉચકી રહ્યો છે। જામનગરમાં પણ કંઈક આવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે। શહેરમાં વાયરલ ફીવર, ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ અને જોન્ડિસ જેવા રોગો માથું ઉંચકી રહ્યા છે। જામનગરની સૌથી મોટી જીજી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 3 સપ્તાહથી ઋતુજન્ય બીમારીઓના કેસની સંખ્યા સતત વધી રહી છે। જીજી હોસ્પિટલની ઓપીડીમાં દરરોજના 1500-2000 જેટલા દર્દીઓ આવી રહ્યા છે। ઓગસ્ટ મહિનામાં જિલ્લાના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં 58000થી વધારે લોકોએ સારવાર મેળવી।
હોસ્પિટલના તબીબો પણ માની રહ્યા છે કે ઋતુજન્ય બીમારીના કેસમાં ચિંતાજનક રીતે વધારો થઈ રહ્યો છે।